दर्शन बिहर ही जेत बिपिन दुख मोचन की बिकट बिलाप। जो राग लगता है उसी में मेरी चौपाई होती है कि बिकट बिलाप करत तो ही काला। मैं पद आई प्रणत पुरबाला। एक बार प्रभु विश्व विलोचन बिहरहि जेत बिपिन दुख मोचन बिकट बिलाप करत ते ही काला। मैं पद आई प्रणतपुर बाला बाला। मैं सिर्फ कलिजुग की बात कर रहा हूं, हालांकि ये कलिजुग नहीं है। कुछ तथा कथित समाज में आडंबर फैलाने वाले लोगों ने कलम युग को कली युग लिख दिया। एक कलम युग है साहब, एक कलम युग है। यहां सबके हाथ में पेन है। 50 रुपया सम्मानीय महेंद्र यादव जी छिवहिया। 5 मिनट इस गीत के भाव को ध्यान से सुनेंगे। एक बार प्रभु विश्व विलोचन बिहरही जेत विभिन्न दुख मोचन बिकट बिलाप करते ही काला। मैं पदयाई प्रणतपुर बाला। श्रावस्ती के जेत वन में तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी विहार कर रहे थे, टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। एक विधवा रोती हुई गई और चरणों में लिपट करके पुनः रोने लगी, पुक्का फार करके, नाथ आप तो भगवान हैं, आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। तथागत गौतम बुद्ध बोले, कौन कहता है कि तेरा बेटा जीवित हो जाएगा? कहीं मैं कहती हूं आप भगवान है, आप में पावर है, आप मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं। कहे करे पगली, जिन्हें भगवान कहा जाता है वो भी जीवित नहीं बचे। जिन्हें भगवान कहा जाता है वो भी जीवित नहीं बचे, तो तेरा बेटा कहां से जीवित बचेगा? कलश क्यों नहीं, मेरा बेटा जिएगा, कहीं तेरा बेटा नहीं जिएगा? सवाल करती है क्यों नहीं जिएगा, तथागत बुद्ध जी बता रहे हैं। रहेगा रहेगा रहेगा। अरे जाने जाग जहाना हो। अब लगल एक संतोष भी तुहरे से तुम्हें भरोसा रहा, या तो प्रीतमा कल नहीं फिर तो के फोन लगी नहीं। संतोष छोड़ा, एक परिस्थिति में मैं चला हूं, हमारे हारमोनियम मास्टर का पैर फ्रैक्चर भैलवा और करीब करीब छठे से तू ही लोग संभाल रहा, कबो तू कबो संतोष कबो प्रीतम, तो दोनों संतोष है बड़ा। लाइन पे गौर करेगा कि जान जोग जहाना हो कि जन्म मरण सत्य बा। जान जोग नहीं ललना हो कि जन्म मरण सत्य बा। अरे जी ही नहीं ला कहला से ऐसे ना मानव, ऐसे ना मानव कहला से सब कोई कह देला। कहे अरे पगली, संसार में दो अकाट सत्य है, जन्म होना तय है और जन्म के बाद मृत्यु तय है। कहलस की ई तोहरा कहला से मान ली, सब कहलाए के प्रमाणित करो तब तब बतावत हुआ। आया है सो जाएगा राजा रंग के भिखारी हो। समझा रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध जी, जिन्हें कुछ लोगों ने 10वां अवतार बताया। हालांकि बुद्ध जी का अवतार नहीं हुआ था, बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बुद्ध जी का अवतार
थोड़ा मैं सत्य में विश्वास करता हूं, यथार्थ में विश्वास करता हूं, नहीं तो मैं सच्चाई कह देना चाहता हूं कि यहां तो लोगों का अवतार कान मुंह नाक से भी हो जाता है, जबकि सत्य यह नहीं है। कान मुंह नाक से कबो बेटा पैदा हुई भी ना करिए। इसलिए एक एक लाइन पे गौर करेंगे, जो सच है, जो सत्य है वह मैं बता रहा हूं, बता रहे तथागत बुद्ध जी। आया है सो जाओ ना, राजा रंग भिखारी हो, अभय राज जी के साथी कलाकार हैं राजेश यादव भैया के द्वारा सुंदर पुष्पहार, और इस लाइन पे 50 रुपया देकर के आपने सम्मान किया। एक और बात कहें, अरे चाहे हो धनवनवा हो कि जनम मरण सत्यवा, चाहे हो धनवनवा हो कि जनम मरण, कहलस बुढ़िया जब ले जन्म ले ले बनी ना, तब ले एगो लाइन सुनीला कि आया है सो जाएगा राजा रंग भिखारी, है ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चले कोई बंधे जात जंजीर। कि कहला से हम कैसे मान ले कि हमार लड़का ना जी ही कल, अरे पागल हो यार, यह तो सत्य है। कहना ही बतावा कि हमार लड़का जी ही कि नहीं जी, तू प्रमाणित कर दो अगर हमार लड़का ना जी तो बे मानव की जन्म मरण सत्य बा, कहे प्रमाणित भी कर दे पगली। तो सुन, अब हमारी रुका हो, अब हमारी एक शर्त है, शर्त हमारी ये है कि तुम मर जाओ भैया, बोलेंगे नहीं, शर्त हमारी है कि तुम मर जाओ, तेरा बेटा जिएगा। कलसु कैसे, कहे तुम्हारी आत्मा तेरे बेटे में आएगी, तू मर जाएगी तेरा बेटा जी जाएगा। कलस अच्छा तो हम मर जी, हमारा बचवा जी जाई तो फिर हम देखब कैसे कि हमारे लड़का जिया था कि मरल हो, सवाल तो यहां भी खड़ा बा, तू जियला कि नहीं हम मर जाए बिना मतलब का। अच्छा मोह हो साहब, ई मोहे हो कि आदमी के मरे नहीं देला, मरल तो सबके एक दिन जरूरी बा, चूंकि यही सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई पावर और कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकती। कहे कि नहीं मैं भी जीऊंगी मेरा बेटा भी जिएगा, प्रमाणित करिए मेरे जीते जी कि मेरा बेटा नहीं जिएगा। कहे हाँ इसका भी प्रमाण है मेरे पास। कहे बिल्कुल, आप प्रमाण बता दीजिए। तो कह रहे हैं जाई के लिया वही, आप प्रमाण दे रहा हूं, साबित कर दूंगा तेरा बेटा नहीं जिएगा, जिंदगी जीवन में कोई जीता नहीं, संसार में कोई जीता नहीं, तेरा बेटा भी नहीं जिएगा। कहे कौन सा प्रमाण है, तो कहे जाई के लिया वही धारा से करिया हो, जिलाने का शौक है ना, तो उस घर चली जाओ जिस घर में कभी मौत ना हुई हो, और जिस घर में मौत ना हुई हो उस घर से एक मुट्ठी सरसों ला करके मुझे दे दो। ध्यान देना साथियों, यथार्थ बता रहा हूं, कोई बनावटी कोई काल्पनिक चीज नहीं है। उस घर से जाओ जिस घर में मौत ना हुई हो, उस घर से एक मुट्ठी भिक्षा में हमें सरसों तोरी लेकर के आओ। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगी तो जानती हो मैं क्या करूंगा, हास्य लागी सुमनवा हो, अरे हास्य लागी सुमनवा हो कि जनम मरण सत्य बा, हास्य लागी सुमनवा हो कि जनम मरण, कहलो सरे तू बड़का भगवान बनत रह, खोजब ना चलब
चलब हनुमानगंज चलब, हंडिया जाए, वहां नहीं मिली तो झूसी निकल ले, झूसी नहीं मिली तो फिर इलाहाबाद रख ले पूरा प्रयाग पर, कहां कहां से आदमी आवेलन है ना। यानी वो कल्पना करिए जिस इलाके की है, बड़े बड़े गांवों का, बड़े बड़े शहरों का कल्पना करिए कि कहीं ना कहीं मैं भिक्षा मांगने में कामयाब हो जाऊंगी। बोले तथागत गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने आप लोगों को पता होगा मध्यम मार्ग अपनाया, एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब बीड़ा बजाने वाली गाने वाली नाच रही थी गा रही थी, तो बीड़े के तान पे उन लोगों ने कहा कि बीड़े के तान को इतना न खींच दो कि टूट जाए, बीड़े के तान को इतना ढील न दे दो कि फिर आवाज न निकले। तो शरीर है, मध्यम मार्ग अपना लीजिए। तथागत बुद्ध ने कहा नहीं, तुम जा करके लाओ एक मुट्ठी सरसों ला करके मुझे दे दो, तेरा बेटा जिया दूंगा। आखिर वह निकल पड़ी विधवा कृषा गौतमी। जब कृषा निकली है तो नतीजा कहां निकला? चोरी लावे गईली कृषा हर जवन भानवा जाती थी दरवाजे पे, देदा मास्टर के क्या बात है, मजा आ गया। निकल पड़ी रास्ते में, दरवाजे पे जाती थी, आवाज लगाती थी, आंचल फैला करके थोड़ा शांति, भिक्षाम दे ही, जब बात करते हैं तब कुछ नहीं, भिक्षाम दे ही। लोग आते थे तो अक्सर अक्सर भिक्षा में लोग राशन चावल और जोगी वोगी को कांसा पितरी कुल गुदरी देते हैं लोग, राशन लेकर के आते थे, आंचल मोड़ लेती थी, नहीं भैया बाबू बहनी चाचा चाची घरे जा लो एक मुट्ठी सरसों लावा। जब सरसों ला करके फाड़ में जब ही डालना चाहते थे, आंचल में डालना चाहते थे, वह विधवा फिर आंचल मोड़ लेती थी, कहती थी कि यह भिक्षा आप लोग मेरे आंचल में तब दीजिएगा जब आपके घर में कोई मौत ना हुई हो। क्या ऐसा मुमकिन है साहब? आप लोग सोच करके देखिए, क्या ऐसा मुमकिन है? एक बिरहा मैंने गाया था, पंडित का पतरा फेल हो गया। उसमें मैंने कहा था कि न जन्म का साइत है न मरने का साइत है, और यह मानव समाज बिचवा में साइत ढूंढता है। जिंदगी का अहम दिन जन्म है, जिंदगी का अहम दिन मरण है, इसका साइत नहीं है, लेकिन लोग बीच में साइत ढूंढते हैं। साहब जब जन्म का साइत नहीं है, मरने का साइत नहीं, तो क्या आपके बेटे के विवाह का साइत निकल सकता है? बिल्कुल। अरे साहित लगन, लगन नाम लगन, मन में लगन होनी चाहिए ना। ध्यान देंगे एक एक। अच्छा जहां कार्यक्रम है वहां से उनके छोटे लड़के, अच्छा भैया के द्वारा 50 रुपया, चरणों में प्रणाम, उपस्थित जन समूह के कोट कोट सब गौर करेंगे। लोग आडंबर में अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, ये बुढ़िया निकल पड़ी नहीं मुझे मिल जाएगा। आखिर खोजते 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 भोर 4 बजे से निकली थी, सुबह का 10 बज गया, थक गई। एक बार उदाहरण ले लेते हैं हम प्रयागराज का ही, वह श्रावस्ती के जेत वन में टहल रही थी, ले लेते हैं निकल करके शहर से बाहर, एकदम एक सुनसान इलाके में एक आलीशान बिल्डिंग दिखी, आलीशान महल। उस महल के दरवाजे पे जाती है थक करके कि यहां पे मैं मांगूंगी। सूरज भाई थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा सुनो भैया, भैया थोड़ा सा सुनो, चर्चा है लेकिन थोड़ा सुनो, यहां तक ना ध्यान देंगे, क्योंकि हम थोड़ा जो ही यहां आवाज आती है ना तो मैं अपनी चीज भूल जाता हूं। लाल बहादुर बीडीसी महोदय के छोटे भैया राज बहादुर भैया, 50 रुपया। वह चली एक आलीशान महल के सामने खड़ी हो गई, सोचती है इस महल में आखिरी बार मैं भिक्षाम देही की आवाज लगाऊंगी, अगर भिक्षा मिल गया मेरी मांग पूरी हो गई तो ठीक है, वरना मैं जाऊंगी तथागत बुद्ध के चरणों में गिर करके माफी मांग लूंगी। आवाज लगाती है भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। दो बार आवाज लगाई, तीन बार आवाज लगाई, चार बार आवाज लगाई, पांच बार आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया।
लौट करके मायूस वापस चली जाती है। करीब करीब 5 कदम दरवाजे से बाहर गई होगी, तब तक से एक दबी सहमी आवाज आई दरवाजे से, मां भिक्षा नहीं लोगी? मां भिक्षा नहीं लोगी? वापस आ जाओ न मां। वह बुढ़िया फिर वापस आती है दरवाजे पे, देखी कि एक 21 वर्षीय खूबसूरत जवान बाला सफेद साड़ी में लिपटी हुई है, चेहरे की झुर्रियां बता रही है कि विपत्ति की मारी है, चेहरे की झुर्रियां बता रही है कि विपत्ति की मारी है। अब आप लोग कहेंगे कि वो किस विपत्ति की मारी है, तो बता देना चाहता हूं, भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है कि याचक को दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अतिथि देवो भवा, अतिथि देव होते हैं, दरवाजे पे आया हुआ याचक कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह विपत्ति की मारी 21 वर्षीय जवान बाला हाथ में राशन का थाली ली है, मां भिक्षा ले लो ना। ओ बुढ़िया मां बोलती है, बेटी अगर तू भिक्षा देना चाहती है ना, तो ये राशन वाली थाली लेकर के जाओ, केवल एक मुट्ठी सरसों लेकर के आओ। एक मुट्ठी सरसों लेकर के आई है, आंचल फैला दी, दे दे बेटा, दे दे, दे दे बेटा, आंचल में भिक्षा दे दे। उमाई अचारवा मोड़ ले ली, कली कि बेटा भिक्षा देना, लेकिन एक शर्त है, भिक्षा तब देना जब तेरे घर में कोई मरा ना हो। इतनी बात सुनी है 21 वर्षीय जवान बाला बिलख पड़ी और आंख में आंसू भर के बोली, आंख में आंसू भर ली, अरे बरसलबा बरसलबा नया नया हो कि जन्म मरण सत्यबा, बरसलबा नया नया हो कि जन्म मरण सत्यबा। रो पड़ी, ऐ मां तुम्हें कहीं भिक्षा नहीं मिला, कोई दरवाजा खाली नहीं मिला जहां मौत ना हुई हो, तो क्या लगा यह 21 वर्षीय भारतीय नारी जवान लड़की क्या सफेद साड़ी में समझ में नहीं आ रही है कि यह विधवा है? आंख खुल गई। एक बार आप लोग सोचेंगे कि वह विधवा थी तो फिर भिक्षा लेकर के क्यों आई थी, तो अतिथि। भारत की संस्कृति कहती है कि कोई विधवा औरत अपने दरवाजे पे किसी याचक को भिक्षा नहीं दे सकती, लेकिन अतिथि दरवाजे से खाली भी ना जाए, इसलिए दरवाजे का सम्मान करने के लिए आई थी, मां भिक्षा ले ले, लेकिन जो शर्त रख रही है ना, उस शर्त के काबिल यह तेरी विधवा बेटी नहीं है। आंख भर गई, और जब आंख भरी है तो फिर उस कृषा गौतमी को अपनी जवानी याद आ गई। लोग अक्सर भूल जाते हैं, बहुत सारी बातें लोग भूल जाते हैं, उसे अपनी जवानी याद आ गई कि वाकई दुनिया में अगर कोई मर करके जीवित होता तो फिर तो हमारे पतिदेव भी जिंदा होते, मैं भी सुहागन होती, मेरा बेटा अनाथ नहीं होता। साहब एक बात मैं बता देना चाहता हूं, बात पे बात याद आ जाती है। आप लोगों ने देखा लंका की लड़ाई में संजीवनी बूटी से केवल लक्ष्मण लाल जी जी गए। अच्छा, वो संजीवनी बूटी और किसी को काम नहीं की। अगर उस टाइम लक्ष्मण लाल जी मरने के बाद जी गए तो फिर लक्ष्मण लाल जी को तो कभी मरना ही नहीं चाहिए, वही संजीवनी बूटी पी पी के अपना जी जाना चाहिए, खैर उन्हीं के लिए बना होगा। सत्य ये नहीं है, सत्य यही है कि मरने वाला कभी जीवित हो ही नहीं सकता, मरने वाला कभी जीवित हो ही नहीं सकता। जब इतनी बात सुनी है वह विधवा औरत एक जवान विधवा औरत से, यही से रुक चेंज हो गया। प्रमाणित करने जा रहा हूं, वह प्रमाण खोजने गई थी कि वाकई प्रमाणित कर दीजिए कि कोई मरने के बाद जीवित होता है कि नहीं होता है। तो अरे हंसता खेलता आईली दूधा की सरनिया हो,
में आ रही है। रोते हुए जा रही थी, मैं लाऊंगी एक मुट्ठी सरसों अपने बेटे को जी लाऊंगी, हंसते हुए आ रही है और बुद्ध के चरणों में लिपट पड़ी। महामानव एक काम करिए, हमारा बेटवा अब नहीं जिएगा, ध्यान देंगे आप जो भाई हमारे पढ़े होंगे, जिन बच्चों को गणित उणित नहीं आता है ना, तो टीचर एग्जाम्पल देते हैं, जब गणित समझ में नहीं आती है तो टीचर एग्जाम्पल देते हैं, और उस उदाहरण के द्वारा जब बच्चा गणित समझ जाता है तो वो खुद बताता है सर ये सर सवाल ऐसे हल हो जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात ना, जाओ संसार का भ्रमण कर लो। अब जो चीज बुद्ध जी 4 घंटा पहले कह रहे थे, वो 4 घंटे बाद में यह विधवा औरत करे कि अब मेरा बेटा जीवित नहीं होगा, और बुद्ध जी करे कि नहीं तुम सरसों लाओ अब मैं तेरे बेटे को जिलाऊंगा, मंत्र मैंने याद कर लिया है, जिया वाला मंत्र एकदम हर जुबान पर अगलो घड़ी भुलाइल नहीं, ये 4 घंटा का तो से बजे टाइम मंगनी को उतना घड़ी मैं अपना लिखवा के जिया वाला मंत्र याद कर ले एकदम सीध कर ले, खाली तू सरसो यादव मारो तो हर लड़का टनटना के उठ जाई है ना, कहे अरे महाराज काहे के झूठो को हमें बिसरावत हुआ। सुहाना कैसे तो बिसर जाए मेरा चेला है सुजीत सुहाना, हमारे यहाँ सीख रहा था, पैर फ्रैक्चर हो गया बाबू का, यहाँ चलाया तो जब हम गीत उत सिखाई ना सूरज तो कहीं अच्छा मंच पर कहीं खड़ा हो जाए गाजो तो इससे याद कर लिए हैं, कह तो गुरु जी गायो गायो में एक आध लाइन भुला जाए तो कहीं बोलो आगे बोलो आगे बोलो, कह गुरु जी बिसर जात है। हम कहीं बिसर जात का होते यार, कह गुरु जी हमारी वरी यह बोला जाता ना, हम कहीं इसका कुछ और मतलब बता ना, कह गुरु जी भुला गए भूल गए, हम कहा अच्छा तब याद आ गया, कहे हमें बिसरावा मत, हम जान गए नहीं हमारे लड़का जी ही नहीं, कहे नहीं नहीं तेरा बेटा जीवित होगा, बस एक मुट्ठी सरसों मुझे दे दो मैं मंत्र मारूंगा तेरा बेटा जीवित नहीं जीवित हो जाएगा। तथागत गौतम बुद्ध जी बार बार कह रहे थे, विधवा कृषा बोल रही थी मेरा बेटा जीवित नहीं होगा, कहे अब तुम बताओ, उतना टाइम तक हम बता रहे थे कि तेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो तुम हमें कह रही थी कि प्रमाणित करिए कि मेरा बेटा जीवित नहीं होगा, अब तुम प्रमाणित करो। अच्छा कितना अंतर हो गया, अंतर हो गया ना, अब बुद्ध जी कह रहे कि तुम प्रमाणित करो कि मेरा बेटा जीवित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कहती अब न सवर बाई ताना हो, यही होता है साहब शिक्षा और अशिक्षा में। ओम प्रकाश दीवाना शिक्षित है, ओम प्रकाश दीवाना को जानकारी है, तो ओम प्रकाश दीवाना कभी कोई साहित नहीं ढूंढता है, साहब बिला रास्ता काट दे ही लोग कहीं बिला रास्ता काट दे रास्ता मुड़ाल। अच्छा सूरज भाई एगो बात हमन का दोनों भाई समझ ले जा, अगर बिहार ले चलने बिला रास्ता काट दे हम घरे रह जी तो दूसर का दिन इलाहाबाद वाले लोग लात जूता से न बात करी। साहब बाबू जी हमारे बुजुर्ग बाबू बैठे हैं, अगर बिला रास्ता काट दे और हम उस चीज को मान ले कि बिला ने रास्ता काट दिया मुझे अब आज इलाहाबाद नहीं जाना है, वेद पुराण कुल पंडित पंडित जी लोग कहते हैं, अब पता चले कि दूसर के दिन आ गए झोंसी में बिरहा गाने पहुंच गए यहाँ लोग पट्टी वाले है ना, कहे वह दिनवा तू काहे नहीं ला, हम कतनों कहीं कि साहब बिलरिया रास्ता कट लेता आप लोग मनबा कि माला का जगह जूता, या सच ये है साथियों आप सत्य के साथ कभी समझौता न करें, सत्य सत्य होता है, वह कह रही है क्या कहे नसवर बाटे ताना हो, अरे नसवर बाटे ताना हो कि जन्म मरण सत्य बा, नसवर बाटे ताना मारन सत्य बा, गावेला दीवाना हो कि जन
जन्म मरण सत्य बा कावेला दीवाना हो कि जन्म मरण अरे कावेला दीवाना हो कि जन्म मरण सत्य बा।